बाप कहते हो, तुम्हारा बाप तुम देखे हो कौन है तुम्हारा बाप, कैसे जानते हो? हमारे ये बाधा के कारण हो गया, हमारे घर में बैठा है सब ऐसे ऐसे सेकुलरवादी हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म का क्रिटिसाइज करते हैं, जानते नहीं, मानते नहीं, समझते नहीं, समझने का चेष्टा नहीं करते हैं, वो जानते ही नहीं धर्म क्या है, वो अध्ययन किया ही नहीं कभी, एक दिन धर्मशास्त्र उसको पूछो बोलो तुम व्याख्या करो हमारे सनातन धर्म का, वो कभी सुना ही नहीं धर्म क्या है, वो जानता ही नहीं धर्म क्या है, क्रिटिसाइज करते समय तो सबके आगे है, झंडा लेके क्रिटिसाइज करेगा, क्या ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ये हिंदू धर्म धर्म अंधा है, अंधा धर्म है, धर्म कभी अंधा होता है? धर्म तो चक्षु है, धर्मांधता एक शब्द आया है, धर्मांधता, धर्म कभी अंधा है? धर्म तो चक्षु है, जानते नहीं ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं, धर्मांधता, क्या जानते हो तुम, कहां तुम्हारा पहुंच है, कितना साधना किया तुम, कभी भगवान को प्रेम से कभी पुकारा अपना समझ करके, कभी उनसे तुम प्रेम किया, तुम तो कैसे जानोगे भगवान को, तुम अंधा धर्म कहते हो, अंधा धर्म तुम जानते हो, अंधा विश्वास, अरे अंधा विश्वास अगर कह जाए तुम जिसको पीत बाप कहते हो, तुम्हारा बाप तुम देखे हो कौन है तुम्हारा बाप, कैसे जानते हो तुम्हारा बाप है, माँ ने कह दिया इसलिए तुम बाप को जानते हो, तो देखा नहीं बाप को कौन है तुम्हारा बाप, अगर कहे जिसको तुम बाप कहते हो तुम्हारा बाप नहीं, तुमने देखा नहीं, तुम कैसे विश्वास करते हो, विश्वास अंधा ही होता है, विश्वास हर समय अंधा ही होता है, तो जैसे माँ के कहने पर हम पिता को जानते हैं और विश्वास कर लेते हैं ये हमारे पिता है, तुमने तो देखा नहीं तो कैसे विश्वास करते हो, अंधा विश्वास कहते हो, अंधा विश्वास कहते हो, विश्वास अंधा ही होता है, ऐसे ही धर्म संबंध बोलते हो, हमारे धर्म शास्त्र जो है यह हमारे चक्षु है, हमको चक्षु देते हैं, चक्षु प्रदान करते हैं, धर्म है चक्षु,